जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा भी शामिल थे। अंकित शर्मा के परिवार वालों ने अपनी बेटी की मौत के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद हाजी ताहिर हुसैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंसा के बीच गुरुवार को ताहिर हुसैन के घर की छत पर जो देखने को मिला वह हैरान करने वाला है। दरअसल दिल्ली के खजूरी इलाके में स्थित आप पार्षद ताहिर हुसैन की छत पर पत्थर, गुलेल और पेट्रोल बम भी देखने को मिले हैं। यह सब तब वहां मिला जब यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहां से पत्थरबाजी हुई है। ताहिर हुसैन की छत पर यह सब मिला है, आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं। पत्थरों और पेट्रोल बम से भरी टोकरियां इधर उधर बिखरी पड़ी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें कुछ उपद्रवी एक मकान की छत से पत्थर और पेट्रोल बम नीचे बरसा रहे हैं। पहले आप भी देखिए यह वीडियो कि ताहिर के घर से कैसे पत्थर और पेट्रोल बम नीचे बरसाए जा रहे हैं। पत्थर बरसाओ और कहां कहां मारो, देखो हाथ में खुद डंडा लेके और ये जा रहा है मारने के लिए। देखो देखो हाथ में लाठी लेके बता रहा है, डंडे लेके कैसे मारने। देखो देखो ये सबको बता रहा है कि मारो सब जाके हिंदू। हाँ यही कर ही रहा है, सारा काम इसी का है, ये सारा ताहिर कर रहा है। देखो वो ट्रे में ले जा रहा है पत्थर भर भर के। देखो देखो सबको बोला ट्रेन पत्थर लाओ। ये है ना, ये 5-5, 6-6 रुपए में खरीद के लाया। हाँ वही है ही, ये आज सबको पत्थर बरसाने के लिए लाया ही है इसने। अभी दो नीचे भेज दिए, वो पत्थर लाने गए ना, उसको बोला है कि पत्थर लाओ, 1-1,000 रुपए मिलेगा शाम तक का, क्रेट में पत्थर लेके आएंगे, इसीलिए भेजा ही है। देखो ये नकाब वकाब लगा लिया इसने। हाँ तो वही पत्थर लेके गया ना, अब लाल लाल के ऊपर जमा कर रहे हैं ये रात में बरसाने के लिए पत्थर। ये रात में बरसाने के लिए पत्थर इकट्ठा करवा रहा है कि रात में बरसाना है, ये रात में भी करवाएगा कुछ ना कुछ। सारा ये देखो ताहिर करवा रहा है, अभी भी उसने दो को फोन किया कि भाई लगा रहा है, सब ताहिर ही करवा रहा है, सब ये सबको बोल रहा है कि लगाओ जितना लगा सकते हो, सिर्फ हिंदुओं के घर में आग लगा, मुसलमानों का दुकान छोड़ो हिंदुओं का दुकान लगा। ताहिर का भैया है ना, ताहिर का भैया है जो लट्ठू खा रहा है। बताया जाता है कि जिस मकान की छत से हमला हो रहा है वो मकान मुस्तवाबाद विधानसभा में नेहरू विहार वार्ड के पार्षद हाजी ताहिर हुसैन का है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। हिंसा के इस वीडियो को लेकर जब ताहिर हुसैन से बात की तो उन्होंने माना कि ये मकान उन्हीं का है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये हमला हुआ वो घर पर नहीं थे, वहां से जा चुके थे। ताहिर हुसैन का कहना है कि अंकित की मौत से दुखी हूँ, अंकित के परिवार के साथ हूँ, दंगाई किसी के नहीं होते, मुझे नहीं पता मेरे घर की छत से कौन पेट्रोल पंप और पत्थर फेंक रहा था। आरोप है कि ताहिर हुसैन ने वीडियो जारी कर अफवाह फैलाई थी कि उनके घर पर अटैक हुआ है, जबकि वीडियो के मुताबिक हमला उनकी छत से ही हो रहा है। अब इस वीडियो के तार इसी इलाके में रहने वाले आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत से जुड़ रहे हैं। अंकित शर्मा के परिवारजनों ने ताहिर हुसैन को मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया है। परिवार के मुताबिक अचानक बाहर से पड़ोस में रहने वाले एक परिवार की मदद के लिए गुहार सुनाई दी। गुहार सुनकर अंकित मदद के लिए बाहर आए। अंकित की मां ने उन्हें रोका भी नहीं, लेकिन उन्होंने मां की नहीं सुनी। अंकित उस वक्त जो घर से निकला फिर वापस नहीं लौटा। लौटी तो अंकित की लाश, वो भी पास के नाले से बरामद हुई। आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी ताहिर हुसैन पर ही हिंसा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। ताहिर हुसैन से बातचीत में जब अंकित शर्मा को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने सभी आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। बता दें कि दिल्ली में नागरिकता संशोधन एक्ट के नाम पर हुई हिंसा में अब तक 34 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि बुधवार के बाद से दिल्ली में हिंसा का कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। पुलिस ने बुधवार को आईबी कर्मी का शव बरामद कर हिंसाग्रस्त क्षेत्र चांदबाग से बरामद किया। अंकित शर्मा मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के इटावा गांव के रहने वाले थे।
अंकित शर्मा दिल्ली आईबी में कार्यरत थे। अंकित मंगलवार शाम के से लापता थे। उनके पिता रविंदर शर्मा भी आईबी में कार्यरत हैं। अंकित के परिवार में मातम का माहौल है। बेटे के जाने की खबर सुनकर बेहद दुखी मां ने कहा कि उन्होंने अंकित को घर में ही रुकने के लिए कहा था। अंकित के घर वालों ने आप पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप लगाए हैं। अंकित की मां का कहना है कि उपद्रवियों ने उनके बेटे को मार डाला। परिवार के मुताबिक अचानक बाहर से पड़ोस में रहने वाले एक परिवार की मदद के लिए गुहार सुनाई दी। गुहार सुनकर अंकित मदद के लिए बाहर गए। अंकित की मां ने उन्हें रोका लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। अंकित उस वक्त जो घर से निकला फिर वापस लौटकर नहीं आया। लौटी तो अंकित की लाश, वो भी पास के नाले से बरामद हुई। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।